दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, हर एक का आपस में मिलने का तरीक़ा अलग अलग है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुसलमानों को मिलने का तरीक़ा दिया है वो है सलाम, कि जब आपस में मिलें तो एक दूसरे को सलाम ज़रूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़्शुस्सलामा बैनकुम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई एक ऐसी बात की तरफ ना करूँ जब तुम वो करने लगोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी। आपने फरमाया सलाम को आम करो। नाज़रीन, सलाम को आम करना ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उसका जवाब देना ये वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिन्हा औ रुद्दुहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उनका उससे अच्छा बदला दो, और अगर अच्छा नहीं दे सकते तो कम से कम वही अल्फाज उनको लौटा दो। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में हालात इतने बुरे हैं कि मुसलमान एक दूसरे को सलाम करना पसंद नहीं करते, वो सलाम कर दें तो जवाब देना पसंद नहीं करते। हत्ता के बाद हमारे भाई यहाँ तक कह देते हैं कि फ़लाँ को सलाम ना करो वरना आपका निकाह टूट जाएगा, वरना आपका फ़लाँ हो जाएगा। नाज़रीन, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। वो काम जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उसके नबी ने हुक्म दिया है, वो काम हमें करना है। ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें।